हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कैरियर पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अभय यादव आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो विषय है, जो हम लोग टॉपिक में बात करेंगे, एसएससी जीडी 2024। यानी कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो आज से भरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज 27 अगस्त से। अगर आपने इसका एसएससी का कैलेंडर देखा होगा तो 27 अगस्त से एसएससी जीडी के फॉर्म लिए जाने थे, तो आज वो शाम तक अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी निकल के आएंगी वो आप नोटिफिकेशन देख आने के बाद भी देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो सेम रहने वाली हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, कौन लोग नहीं भर पाएंगे, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने का काम करूँगा। तो जो भी लोग नए लोग हैं फॉर्म भरेंगे, पहली बार भरेंगे, न्यू कॉमर्स जो लोग हैं, बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। तो हम लोग नोटिफिकेशन की बात करेंगे, एज और क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीज़ों पे बात हम लोग इसमें करेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एसएससी की वेबसाइट के अनुसार, एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से 27 अगस्त यानी कि आज की डेट से भरना शुरू हो जाएंगे और 5 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा आपके पास एक महीने से ऊपर का समय है फॉर्म भरने के लिए, 27 अगस्त से 5 अक्टूबर 2024 के बीच में। एग्ज़ाम मंथ जो है, एग्ज़ाम कब लेंगे, तो ये अपना किसी भी फॉर्म को भरवाने के बाद 4-5 महीने का टाइम लेते हैं। तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का टाइम लेने के बाद जनवरी फरवरी 2025 यानी कि अगली साल की जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम करा लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का पैटर्न लगभग एक महीने तक फॉर्म चल एग्ज़ाम चलते हैं, तो फिर इस हिसाब से जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम जा सकता है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, देखिए जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि क्वालिफिकेशंस इसमें आपकी केवल और केवल हाई स्कूल पास मांगा जाता है, 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ठीक है ना। तो जो लोग 10th पास हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाकी की चीज़ें आगे भी आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एज ग्रुप बता दूँ कि क्या क्या एज रहने वाली है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, अनरिजर्व मतलब मैं जनरल कह सकता हूँ, या जो लोग अनारक्षित हैं उनके लिए मैं बात करूँ तो 18 से 23 साल के बीच के लोग जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 23 साल। ओबीसी के जो लोग होंगे वो 18 से 26 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें 3 साल का आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जो ओवर एज वाली कंडीशन होती है वो 23 साल ना होकर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 26 साल हो जाएगी। और एससी और एसटी के जो लोग हैं वो 18 साल से 28 साल के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो 23 साल है वो आपका 5 से 5 जोड़ के 28 साल हो जाएगा। तो ये एज ग्रुप रहने वाला है, बाकी किस डेट से वो इस आपकी जो एज है उसकी गणना करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन आपको मोटा मोटा हिसाब किताब जो है ना वो मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, सैलरी किस आधार पर मिलती है। तो देखिए मैं सैलरी के लिए आपको बता दूं कि 21,700 से 69,100 रुपये से पेमेंट बनता है आपका, लेवल 3 का जो पेमेंट आपको दिया जाता है। और ये आप 21,700 मत देखिए, आप 70,100 देखिए, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करके पोस्टिंग पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी ऊपर आपकी सैलरी निकल जाती है, क्योंकि एरिया वाइज जहाँ पे भी आपकी जैसी पोस्टिंग रहती है उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती घटती रहती है। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको हिसाब किताब दूं तो 50,000 से ऊपर ही ऊपर आपकी सैलरी रहने वाली है। तो पे स्केल आपका ये रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं कि ये सैलरी पाने के लिए या इस भर्ती में हमें चयनित होने के लिए हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली प्रोसेस है CBT। CBT को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबसे पहले आपको पेपर निकालना पड़ेगा, पेपर निकालने के बाद PST बोले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल बोले तो रनिंग, चेस्ट, हाइट, ये सारी चीज़ें नापी जाएंगी। तो उसके बाद सेकंड लेवल पे जो हम लोग पहुँचते हैं तो वो PST है, और PST के बाद फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में आपके सारे शरीर की जांच होगी कि क्या क्या चीज़ें, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और मेडिकल होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका DV कराया जाएगा। तो ये 4 स्टेज हैं आपका, सबसे पहले CBT, PST, मेडिकल एंड DV। तो ये आपकी 4 स्टेज आपकी आ गई है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आपका CBT था मुख्यतः मेन चीज़ तो इसकी CBT रहती है ना, सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों को CBT पे ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पेपर किस आधार पे आता है या क्या क्या चीज़ें हमसे इसमें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका मैथ है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अंकगणित भी कह सकता हूँ, जो गणित है उसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। रीजनिंग का पोर्शन भी 20 क्वेश्चन अपने आप में रखता है, और 40 मार्क्स की रीजनिंग आपकी आ जाती है।
जीके एंड जीएस भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स की जीके जीएस आ जाती है, इसमें करंट का पोर्शन भी रहता है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शनल रहता है, या तो आप हिंदी लीजिए या आप इंग्लिश लीजिए। ज़्यादातर लोग अपने उत्तर प्रदेश के निवासी लोग जो हैं वो हिंदी लेते हैं, कोई कोई इंग्लिश भी लेता है, तो आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है आपके पास, ठीक है ना। इसके भी 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, और 80 क्वेश्चन यानी कि 160 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, तो 80 क्वेश्चन हमारे 160 नंबर के होते हैं, और इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए हमें टाइम केवल और केवल 60 मिनट का दिया जाता है, यानी कि एक घंटा में ऑनलाइन पेपर के थ्रू से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ आया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो निगेटिव रहता है तो एक क्वेश्चन दो मार्क्स का है, लेकिन पिछली बार जो निगेटिव था वो 0.25 आपके मार्क्स निगेटिव कर लिए जाएंगे, तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसका जो सिलेबस है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो उसका अलग वीडियो होगा, लेकिन आप एक मोटा मोटा हिसाब किताब यहाँ पे समझ पाए होंगे। एक आप आखिरी स्टेज में और देख लीजिए, क्योंकि आपने सीबीटी के बाद सेकंड स्टेज जो देखी थी वो आपकी पीएचटी से संबंधित थी। तो पीएचटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहला जो मोटा मोटा हिसाब किताब होता है वो हमारा रनिंग का होता है। तो रनिंग जो है ना, वो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग हमारी 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, और ये 24 मिनट का समय दिया जाता है। रनिंग दौड़ लगाने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट जो होंगी, लड़कियां लोग जो होंगी, उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है और 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 1.1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट के समय में आपको पूरी करके दिखानी है। तो ये तो एक स्टेज हो गई आपकी रनिंग की। सेकेंड आप हाइट पे आते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है, मुझे लगता है यहाँ 152 नहीं है, 157 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157, ठीक है ना। वो गलती से 152 ले गया, ये 157 रह गया यहाँ पे। चलिए भाई, तो ये मेल और फीमेल की हाइट हो गई। चेस्ट की मैं बात करूँ, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ओवर होना चाहिए, यानी कि 85 हो जाना चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद ये 85 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आपको। तो ये मुझे आपको पूरा बताना था पीएचटी के बारे में। तो पीएचटी बता दिया, सीबीटी बता दिया, आगे का मेडिकल टेस्ट तो हो ही जाएगा, डीबी भी आपका हो ही जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस है। सैलरी, एज ग्रुप एंड फॉर्म की डेट मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपने एक तरफ से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी है तो आपको समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों परिचितों तक शेयर भी करिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए जो अभी 18 साल के हुए हैं, यानी कि फॉर्म भरने की एज जिनकी अभी इस जुलाई में हुई है, तो वो लोग अपना पहला फॉर्म एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।